तो आज हम क्लास में बात कर रहे हैं बायो अटेंडेंस के बारे में। तो सबसे पहले डेटा को समझिए, डेटा क्या है। तो देख लीजिए, ये हमारे पास नेम है और वो कब इन हुआ है, कब कब वो कार्ड को स्वेप किया है उसका यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। कब कब कार्ड को स्वेप किया है, एक दिन में कई बार उसने किया है, कई बार किया है। तो हमें चेक करना है क्या इस पर्सन ने कार्ड को एक स्वेप अगर एक बार भी किया है तो मतलब कि वो प्रेजेंट है क्या जी सर। सर। तो आप इसको इंसर्ट, मैंने यहां लिया और पिवट टेबल में गया और यहां पे इंसर्ट किया। मैं नेम को रखा रो में और जो स्कैन डेट है उसको रखा कॉलम। कॉलम में रखने पे ग्रुप होके आ रहा है ना, लेकिन हो सकता है कि ग्रुप होके ना आए, कुछ इस तरह से आए। जी सर। तो आप राइट क्लिक करके ग्रुप पे जाए और इसको डे वाइज ग्रुप कर ले। यहां डे को सिलेक्ट करें और यहां वन को सिलेक्ट करें। एंड ये वन क्या बताता है सर? वन मतलब कि डे, एक एक दिन का ग्रुप चाहिए, अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं वापस स्कैन डेट को उठाया और मैंने वैल्यू में रख दिया, समझ गया। तो उस दिन में उसने कितनी बार पंच इन पंच आउट किया वो दिख गया। लेकिन मुझे इसको अब्सेंट और प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट छोड़ो, जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है वो राइट क्लिक करके हम उसमें पिवट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे हम कर देंगे ब्लैंक, और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैंक अब्सेंट ए कर देंगे तो ये ले लेगा, ठीक है। फिर मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूं। सर एक को नहीं लिया, रुचि को उसने नहीं लिया सर, कहाँ रुचि ले लिया लास्ट पर नहीं सर, उसके नीचे देखिए। हाँ अच्छा सॉरी, ले लिया सर। हाँ वो बेसिकली आई है ना, वो अलाइनमेंट का दिक्कत तो है। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल में चला गया और फॉर्मेट सेल के कस्टम में गए और मैंने यहां पे दे दिया पी, समझ गए। फिर राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन में, टोटल एंड फिल्टर में जाइए और टोटल रो एंड टोटल कॉलम को यहां से रिमूव कर दीजिए। बन गया अटेंडेंस? नहीं वो तो हो गया सर, ये कस्टम फिल्टर में हमने जाके किया पी लिखा तो उसने ए को क्यों पी में कन्वर्ट नहीं किया, जो नंबर थे उसको केवल क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आप कस्टम फॉर्मेटिंग को याद करेंगे तो आपको इसका जवाब इसका मिल जाएगा। कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने आपको बताया था कि पहला जो होता है पॉजिटिव होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा जीरो होता है, चौथा आपका टेक्स्ट होता है। अच्छा टेक्स्ट होता है, तो अगर मैं कॉमा करूंगा तो जीरो अभी को क्या हो गया, जितनी पॉजिटिव को डिनोट करेगा। फिर मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ डालता हूँ तो निगेटिव को डिनोट करेगा। फिर अगर इसके बाद यहाँ कुछ डालूंगा तो जीरो को डिनोट करेगा और फिर यहाँ कुछ डालूंगा तो फिर वो टेक्स्ट को डिनोट करेगा। तो हमें सिर्फ नंबर को डिनोट करवाना है, ब्लैंक के लिए हमने एक अब्सेंट आ ही गया है, बाकी सारे प्रेजेंट ही है ना। अब इसे माइनस में थोड़ी कुछ होगा, इसमें काउंट तो सब नंबर ही होगा क्या, बस इसलिए हमने सिर्फ पी कर दिया। तो सिर्फ नंबर को पॉजिटिव किया, टेक्स्ट को नहीं किया इसने, क्योंकि टेक्स्ट के लिए हमने डाला ही नहीं था कुछ, समझ गए सर। प्रसून जी समझ में आया? सर म्यूट कर रखा है आपने, सर वो पीछे से वो क्लीनिंग वाला जो मशीन चलता है ना सर, वो मशीन चला रहा था आपको कल में आवाज जाती, ठीक है, समझ में आ गई आपको ये? हाँ सर क्लियर हो गया। ओके अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा में क्या है कि मुझे इन एंड आउट दोनों दिखाना है, ठीक है आपको? जी सर। और डेटा हमारे पास ये है, इन एंड आउट का दोनों डेटा है कि भाई किसने, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो मशीन जो बाहर अंदर की जो मशीनें लगी है उसका अलग अलग डेटा बनता है। Answer. तो कितना बजे उसने इन किया, कितना बजे आउट किया, तो यहाँ भी वो रिपीटेड है क्योंकि बार बार वो बाहर निकला अंदर घुसा। ऑफिस में होता है ना कि आप अंदर गए फिर बाहर छुट्टा मारने आ गए, लंच करने आ गए,
जी सर, तो उसके लिए इन आउट कई बार है। तो यहां पे हमें पिवट टेबल लगाता हूं, सेम यहां पे नेम को मैं रखता हूं रो में, और सॉरी नेम को रखना, नेम को रखा रो में, एम्प्लॉई कोड को रो में रखिए आपके ऊपर है। फिर मैं इनको लिया और कॉलम में रख दिया। अब यहां भी वही हो सकता है कि आपके पास ये ग्रुप ना हो, तो राइट क्लिक करके इसको ग्रुप करें, ग्रुप में आप डेज को सिलेक्ट करें। सिंपल आ गया सर। और फिर मैंने यहां पे इन को भी रखा और यहां पे मैंने आउट को भी रखा। अब दोनों का काउंट आ रहा है ना क्या सर? तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए और काउंट में इनको मैंने मिनिमम कर दिया कि सबसे पहले कब इन हुआ था, और आउट को मैंने मैक्सिमम कर दिया पहले कितना बजे इन हुआ था, क्योंकि जो डेट एंड टाइम डेटा में डला हुआ है वो यहां दिखता तो डेट एंड टाइम है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नंबर की प्रॉपर्टी है। इसका फायदा हमने यहां पे उठाया। और यहां पे जो ब्लैंक है इट मींस अब्सेंट है, तो यहां पे मैंने अब्सेंट के लिए ए कर दिया। एंड पिवट टेबल ऑप्शन में जाके टोटल एंड फिल्टर में मैं यहां टोटल एंड फिल्टर को हटा देता हूं, सॉरी डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक, पिवट टेबल, सॉरी पिवट टेबल नहीं, फॉर्मेट सेल होगा ना, फॉर्मेट सेल, डेट ऑप्शन, और इसके कस्टम में गया और मैंने टाइम के लिए नहीं, एक कस्टम में नहीं, यहाँ टाइम में गया और 37:30:55 का टाइम डाल के, ओके नहीं 37:30:55 नहीं होगा, कस्टम टाइम 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 टाइम, हाँ इसमें ये डाल, ठीक है। ऊपर जो मैक्स इन और मिन इन है इसमें आप मैं लिख दिया इन और स्पेस दे दिया, एंटर मारा सारा इन हो गया, और हमने यहाँ पे आउट स्पेस दिया और एंटर मारा सारा आउट हो गया। वापस राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल पे जाइए, मर्ज कर दीजिए ताकि ये सारे मर्ज हो जाएंगे। रो में मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, कॉलम लेबल इट मींस डेट, ठीक है, और डिजाइन में जाके एक अच्छा सा फॉर्मेट चूज कर लिया। ओके जी सर, कोई डाउट इसमें? हेलो नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो ये हमारा बायोमेट्रिक था, समझ में आ गया आपको? जी सर। तो पिवट को अपने ढंग से अपने तरीके से आप बना सकते हो, चीजें पता होती है, बस उसकी यूटिलाइजेशन का थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहां पे यूटिलाइज कर, ठीक है। दूसरी चीजें, दूसरी बात एक ही समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो 100% ऑटोमेशन के चक्कर में रहते हैं, समझ गए, लेकिन मैं उसकी उल्टा बोलता हूं कि आप 1 by 1 एक ही स्टेप करके ऑटोमेट करें, समझ गए, एक एक स्टेप करके जो ऑटोमेट करेंगे तो आपका जितने भी ऑटोमेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, समझ गए। सॉरी सर, ठीक है सर, और कोई डाउट है आपको सर? नहीं सर, ये क्लियर है सर। आगे बढ़े सर, इसको आज प्रैक्टिस के लिए छोड़ दीजिए सर, एक बार मैं करना चाहूंगा सर। हाँ बिल्कुल, मैं करना चाहूंगा सर। ओके, तो कल मिलते हैं, कल हम आगे पिवट टेबल पढ़ेंगे, ठीक है सर। ओके।